प्रभु का धन्यवाद हो, उसने अब तक हमें बनाए रखा। भजन 27 हम अध्ययन कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आज हम 12 से लेकर 14 पद तक पढ़ें। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। हालेलुया। दाऊद जब इस भजन को लिख रहा है वो अपने आप को समझा रहा है। क्या कह रहा है? अपने मन से कह रहा है, यहोवा की बाट जोता रहे, दुखी मत हो, परेशान मत हो। कुछ चीजें वो अपने मन को समझा रहा है, कुछ चीजें खुदा से बोल रहा है। खुदा से क्या बोल रहा है? मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, मेरे सताने वालों के हाथ में मुझे मत छोड़। और ये सच है मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर हमको हमारे सताने वालों के हाथ में नहीं छोड़ता है, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं वे मेरे विरुद्ध उठे हैं। उनके पास कोई सच्चाई नहीं है, उनके पास हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ, दाऊद कहता है मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है। आप मुझे बताइए, जिंदगी भर शाऊल राजा दाऊद को मारने के चक्कर में था। आप मुझे बताइए, ऐसा क्या अपराध था, ऐसी क्या गलती की दाऊद ने, ऐसा क्या गुनाह था उसका कि शाऊल राजा उसे मार डालना चाहता था? कोई अपराध? कोई हत्या कर दी? कोई गलत काम कर दिया? यहोवा के अभिषेक को लिए हुए फिरना, क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? किसी परिस्थिति पर विजय पाना, क्या ये गलत है? दाऊद का कसूर क्या था? जो सबसे नहीं हो रहा था वो दाऊद ने कर दिखाया, बस यही कसूर था। इसको कसूर कहते हैं क्या? इसकी सजा मौत है क्या? इसकी सजा मार डालना है क्या? नहीं। लेकिन उस एक गाने ने, जो महिलाओं ने बनाया, उस एक गाने ने, इस गीत ने कैसी कड़वाहट अंदर पैदा कर दी कि सबके सब, शाऊल और शाऊल के रिश्तेदार सब किसमें लगे हुए थे, कैसे न कैसे करके दाऊद को क्या कर दें, मार डालें। गीत क्या था वो तो आपको पता ही है। प्रशंसा मत करो। दाऊद के लिए जो हकीकत थी वो गादी। सच्चाई बोलना पाप है, गलत है? नहीं है मेरे अजीजों। जो बड़ा है वो तो बड़ा ही रहेगा, छोटा है वो छोटा ही रहेगा, लेकिन उस एक जलन के पाप ने उसके लिए ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे लिए क्यों नहीं बोला? प्रॉब्लम कहां थी भाई? अगर तू गोलियात को मारता तो दाऊद की जगह तेरी प्रशंसा होती, तेरे लिए महिलाएं वो गीत गाती कि हमारे राजा ने जो है गोलियात को मार डाला। तू तो गोलियात के सामने थर 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 कांप रहा था। तूने अपनी दिलेरी कहां दिखाई? जो दिलेरी दिखाते हैं वही तो प्रशंसा के पात्र होते हैं, जो कुर्बानी करते हैं, जो जोखिम से खेलते हैं। आप मुझे बताइए, गोलियात इस प्रकार की हरकत में था, किस प्रकार के चुनौतियां और चैलेंजेस इज़राइल के सामने थे, राजा और प्रजा और फौज
सब उसके सामने थर 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 कांप रहे थे। उस विषम परिस्थिति में दाऊद ने अपना हियाव दिखाया। आसान था, बोलिए ना, आसान काम था? एक कठिन टास्क किया उसने, उसने अपनी जान को जोखिम में डाला, उसने वो जो कवच और ये जो पहनाए गए थे उसके वस्त्रों को उतार दिया। बोले इससे तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो इससे चल भी नहीं पाऊंगा, इसकी मुझे प्रैक्टिस नहीं है, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। यानी टोटल जोखिम। जब कोई इंसान अपने आप को जोखिम में डालता है और जब वो विजय को प्राप्त कर लेता है तो महिमा का पात्र बनता है। यीशु मसीह महिमा का पात्र है। क्यों? स्वर्ग छोड़ा, शैतान और शैतान की युक्तियों को कुचलने के लिए धरती पर आया, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा। किस प्रकार की यातनाएं उसने इस धरती पर सही, कष्टों में से होकर गुजरा। तो जो कष्टों में से होकर गुजरेगा वो महिमा का पात्र तो होगा ना। तो अगर एक सच्चाई का गीत उन्होंने उनके लिए गा दिया तो परेशानी कहां हुई, ये मुझे बताइए। लेकिन वो परेशानी का गीत जो है दाऊद के लिए वाकई में परेशानी बन गया। वो परेशानी नहीं, प्रशंसा का गीत। मेरे अजीजो, इसलिए वो कहता है मेरे सताने वालों की इच्छा पर मुझे मत छोड़, मुझे झूठे साक्षी उपद्रव करने वालों की धुन मेरे धुन में है और मेरे विरुद्ध उठे हैं। अगली आयत में वो कहता है मुझे विश्वास ना होता कि जीवतों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा। हमें विश्वास है कि परमेश्वर भला है। यहां पर वो एक बड़ी अजीब बात लिखता है, मुझे विश्वास ना होता कि जीवतों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा। यदि मुझ में विश्वास ना होता, इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। जब आपका विश्वास कमजोर होने लगे, जब आपका विश्वास परमेश्वर और ईश्वरीय सामर्थ्य से उठने लगे तो आपको जीने का अधिकार नहीं है। लिखा है, वो कहता है मैं मूर्छित होकर गिर जाता, मैं घायल हो जाता, मैं मूर्छित हो जाता। इसका सेंस ये है, इसको समझने के लिए आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि जब मेरा विश्वास डावाडोल हो जाए तो तू प्रभु मुझे धरती से उठा ले, मुझे जीने का अधिकार नहीं है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह अपनी देह के दिनों में एक दफा उनको भूख लगी, पड़ेगा उस अध्याय को हम निकालेंगे, मती का 21वां अध्याय और उसके 18 पद से। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी आगे, और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे आगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। बस मैं यहां आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये अंजीर के पेड़ के अंदर यीशु मसीह क्या ढूंढने आया? फल। पेड़ गाय के लिए लगाया जाता है, फल के लिए। यदि फल ना लगे तो पेड़ किस काम का? तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस पेड़ के पास आया और अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आया। लेकिन वहां क्या हुआ? फल था ही नहीं। और यीशु मसीह ने एक ही बात बोली, भाई तुझ में फल ही नहीं है यार। तो यीशु मसीह ने कहा, जा, अब तेरे में कभी फल लगेगा भी नहीं। और इस बात को सुनकर पेड़
इस दशा में हो गया कि मूर्छित हो गया, यूं समझो। यहोवा आपको छोड़ दे, ये बात सुनकर आपको क्या हो जाना है, आपको अपने जीने का अधिकार खो देना है, ये समझ लीजिए। पेड़ कितना समझदारी के साथ यहां पर अपना एक्शन दिखा रहा है कि यदि मैं अपने स्वामी के लिए, जिसके लिए मुझे बुलाया गया था, जिसके लिए मुझे बोया गया था, जिसके लिए मुझे पाला गया था, जिसके लिए मुझे पानी पिलाया गया था, जिसके लिए मुझे बड़ा किया गया था, मैं आज अपने स्वामी के काम नहीं आया, आए मुझ पर, और खड़ा खड़ा सूख गया, खड़ा खड़ा अपने जीने का अधिकार उसने खो दिया। क्या आप कभी इतनी गंभीरता से सोचते हो कि जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया है, अगर मैं उस काम में प्रभु के लिए नहीं काम आ रहा हूं तो मुझे जीने का अधिकार नहीं है। जब अगर मेरा विश्वास प्रभु वैसे उठने लगे तो मेरा प्रभु तू मुझे इस दुनिया से उठा ले। दाऊद इस बात को इस तरीके से यहां पर लिख रहा है कि जब मेरा विश्वास, यदि मेरा विश्वास ना होता कि तू जीवितों की पृथ्वी पर खड़ा होकर भले कामों को करेगा, तो मैं मूर्छित हो जाता, यानी मेरे को उसके बाद मुझे जीने का अधिकार ही नहीं है। मेरे अजीजों, हम अपने विश्वास की रक्षा करें, ये अपने जीवन में ठान के रखें कि यहोवा परमेश्वर जीवितों की पृथ्वी पर भलाई करेगा, वो मेरी भलाई के लिए है, मेरी उन्नति के लिए काम कर रहा है। और मेरे अजीजों, फिर अगर हम वापस उस आयत के अंदर आते हैं, भजन 27 के अंदर, यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता, तो मैं क्या हो जाता, मूर्छित हो जाता, मैं घायल हो जाता। लेकिन हम तो ये सब भलाइयों को रोज देखते हैं प्रभु की, उसके बाद भी मूर्छित होना तो छोड़, विश्वास से डग जाते हैं, विश्वास से भटक जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं और अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं कि मैं क्यों बुलाया गया, क्यों लगाया गया, क्यों मुझे तैयार किया गया और क्यों मेरे लाइफ में जो है मैं प्रभु के काम नहीं आ रहा हूं। उसके बाद 14वें पद को बढ़े, यहोवा की बाट जोता रहे, क्या कह रहा है दाऊद अपने मन को कह रहा है, ये दाऊद क्या कह रहा है, अपने मन को समझा रहा है कि किसकी बाट जोता रहे, खुदा के मार्ग में बना रहे, विश्वास में दृढ़ रहे, बाट जोता रहे। बाट जोने का मतलब है वेट अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर पर आसरा रख, अपनी इन गांवों को परमेश्वर पर बनाए रख। आप भी अपने मन को इसी प्रकार की बातें समझाएं, दुनिया में कुछ भी होता रहे, लंगर में डालता उस वक्त जब मुझे आंधी और तूफान घेर लेते हैं। यीशु की एक झिड़की से आंधी और तूफान थम जाते हैं। कोई हमें कमजोर ना समझे, कोई हमें कमजोर ना समझे। बहुत से लोग मसीही लोगों की चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, उनकी कमजोरी नहीं है, गुरु के प्रति आस्था है। और एक बात ध्यान रखना, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो ना ऊंघता है ना सोता है, वो सब कुछ देखता है। और एक दिन हर एक काम का, हर एक बात का वो न्याय करेगा, इस बात को भी मैं बोल रहा हूं। आपको पता है परमेश्वर ने इसराइलियों को जब 40 साल का जो सफर तय कराया, उसमें एक समय ऐसा आया जहां अमालिकियों ने उनको रास्ता नहीं दिया, तो वहां कितनी बढ़िया बात लिखी है, कई सालों के बाद जब कनान में पहुंच गए और जब वहां पर पहला राजा बना दिया गया, राजा बनने के बाद खुदा ने वहां लिखा है, खुदा को चेत आया। ये जो शब्द है ना, चेत आया, ये मुझे बहुत प्रभावित करता है। चेत आने का मतलब खुदा को याद आया, अरे एक काम अभी पेंडिंग है, एक बदला लेना अभी पेंडिंग है,
एक परिवार जिसने मेरे बंदे को सताया, आंख फोड़ी उसकी, उसके ऊपर हाथ चलाया, उसकी टांग तोड़ी, उसका बदला लेना भी बाकी है। क्योंकि उसने कहा पलटा लेना तुम्हारा काम नहीं है, पलटा लेना मेरा काम है। और अगर किसी पादरी ने पलटा ले लिया तो खुदा फिर उसके विषय में नहीं बोलेगा, लेकिन अगर पास्टर चुपचाप पिट गया और अपना न्याय परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया और यहोवा की बाट जोता रहा, तो निश्चित रूप से आप इन बातों को देखोगे। ए मेरे मन, यहोवा की बाट जोता रहे, खुदा पर भरोसा रख, उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं है। वो एक दिन पलटा लेने के लिए इस पृथ्वी पर खड़ा होगा, हर एक काम का पलटा लेना लेगा। परमेश्वर पर भरोसा रख, हियाव बांध, तेरा हृदय दृढ़ रहे और यहोवा की बाट जोता रहे। आमेन, हालेलुया। मृतक परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं जी। मुझे तो विश्वास होता है कि जीवतों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा। मृतक परमेश्वर की ना आराधना कर सकते। देखिए, एक बार हिजकिया बादशाह बीमार हो गया। यशाया नबी की किताब उसका 38वां अध्याय और उसके 13-14 पद से पढ़े। मैं भोर तक अपने मन को शांत करता रहा, वह सिंह के समान मेरी सब हड्डियों को तोड़ता है। एक ही दिन मैं तू दिन में तू मेरा अंत कर डालता। यहूदा के राजा हिजकिया का लेख। हाँ, ये हिजकिया का लेख है। हिजकिया राजा है एंड ही इज राइटिंग व्हेन ही वाज सिक। वो जब बीमार है, बीमार अवस्था में ये बातों को लिख रहा है। पढ़िए। जो उसने लिखा, जब वह रोगी होकर चंगा हो गया था, वह यह है मैंने कहा अपनी आयु के बीच ही मैं अधलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा। क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है। हाँ, मेरी आयु खत्म हो गई, मेरा समय पूरा हो गया था, मेरा जाने का समय आ गया था। और मैंने कहा, हाँ, मैं यहाँ को जीवतों की भूमि में फिर न देखने पाऊंगा। ऐसी मरी हुई दशा में खुदा ने हिजकिया को फिर से चंगा किया। वो कह रहा है, अब मेरे मैं भूमि पर फिर कभी जीवतों को भूमि पर कभी देखने नहीं पाऊंगा, और इस लोक के निवासियों को, हाँ, मैं फिर न देखूंगा। ये वर्णन कब कर रहा मालूम है? वो जब बीमार अवस्था में था और बीमारी से जब वो बाहर आया, तो वो ये कह रहा है कि मेरी दशा ऐसी हो गई थी कि मैंने ये सोच लिया था कि मैं अब कभी भी धरती पर जीवतों को नहीं देखूंगा। आगे, मेरा घर चरवाहे के तंबू के समान उठा लिया गया है, और मैंने जुलाहे के समान अपने जीवन को लपेट दिया है। वह मुझे तात से काट लेगा और एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। उसको खुदा को मारने के लिए बरसों नहीं चाहिए। आगे, मैं भोर तक अपने मन को शांत करता रहा, वह सिंह के समान मेरी सब हड्डियों को तोड़ता है। वो सिंह की नाई मेरी सारी हड्डियों को क्या करता रहा? तोड़ता रहा। एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालता है। आगे, मैं सुपाबेन या सारस के समान चू चू करता, मैं पिंडुक के समान विलाप करता हूँ। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पथरा गई हैं। और यहोवा, मुझ पर अंधेर हो रहा है, तू मेरा सहारा हो। तू मेरा क्या बन? सहारा बन। आगे, मैं क्या कहूँ? उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया है। मैं जीवन भर कड़वाहट के साथ धीरे धीरे चलता रहूंगा। कड़वाहट के साथ क्या करता रहूंगा? धीरे धीरे चलता रहूंगा। क्यों चलता रहे भाई कड़वाहट के साथ? आगे, हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं, और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। आगे, देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके
मुझे विनाश के खड्डे से निकाला है। तूने प्यार करके मुझे विनाश के गड्ढे से क्या कर लिया है? निकाल लिया है। और क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। आगे, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जब तक तुम धरती पर जिंदा हो ना, उपासना कर सकते हो, आराधना कर सकते हो। आगे, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती ना है। मृत्यु तेरी स्तुति करेगी। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। हाँ, वो कुछ आशा नहीं रखते जो कब्र में है, पर जीवित जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है। धन्यवाद करता है जैसा मैं आज कर रहा हूं। तेरे पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता। तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता हूं। मैं आपको ये कहने के लिए ये पढ़ाया कि विषम परिस्थिति में हिजकिया की ये प्रार्थना, और ये प्रार्थना सुनी भी गई और वो चंगा भी हो गया, और उसके बाद उसने 15 साल और जीवन जिया, जीवतों को धरती पर देखा। लेकिन एक समय ऐसा भी आया उसकी लाइफ में कि अब वो जाने वाला था, लेकिन उसकी प्रार्थना से उसे अवसर मिला। क्योंकि भरोसा कहां था हिजकिया का भरोसा कहां था? हिजकिया वेदों के सहारा नहीं लिया। जैसे ही यशाया ने बोला तेरे दिन आ गया है, वो भाग के अस्पताल नहीं गया। कहां गया वो? वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु की उपस्थिति में गया। मेरे अजीजों, हम यहोवा की बाट जोते रहे। यहोवा की बाट जोने से क्या होता है, पढ़िए यशाया 64:4-5-6। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी परमेश्वर ऐसा देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई। जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। क्या करता है? काम बाट जोने। किसके लिए काम करता है? जो उसकी बाट जोते हैं, जो उसकी बाट जोते हैं उनके लिए काम करता है। आपको पता है दाऊद ने किस पर भरोसा रखकर गोलियात से पंगा लिया? उसने कहा तेरे पास तो भाले और सांग है, तेरे पास बड़े बड़े हथियार हैं, पर मेरे पास एक नाम है, मेरे पास एक नाम है जो दुनिया में सब नामों से आला नाम है, वो नाम यीशु नाम है। उसको पुराने नियम में यहोवा 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 कहा गया है, नए नियम में उसको यीशु 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 कहते हैं। और उस यहोवा नाम में जो ताकत है, उस ताकत के बल पर मैं आता हूं। मसीहों के पास हाथ पैरों में दम नहीं है, पर मसीहों के पास एक नाम है, उसमें ताकत है। हम उस नाम से खड़े हैं, हम सत्य के लिए खड़े हैं। और यहां लिखा है वो अपनी बाट जोने वालों के लिए क्या करता है? काम करता है। वो भूलता नहीं है, ध्यान रखना। वो भूल जाएगा किसी बंदे को खुदा के सताया जाए और वो भूल जाए, ना ना ना, हो ही नहीं सकता। उसने कहा पलटा लेना मेरा काम है। इसलिए हम पलटा नहीं लेते बाबू, इसलिए हम तुम्हें कुछ नहीं बोलते। कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना तुम कर लो, लेकिन एक है जो सब हिसाब किताब रखता है, एक है जो सब हिसाब किताब रखता है। और उसके बाद क्या लिखा है, पांचवा पद, तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। और देख, तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। क्रोधित क्यों होता है परमेश्वर?
पाप करते हैं, जब हम पाप करते हैं, जब हम गलत काम करते हैं, खुदा हमें कब छोड़ देता है? जब हम उस पर से भरोसा हटा लेते हैं, जब हमारा भरोसा किसी और व्यक्ति पर चला जाता है। और उसके बाद क्या लिखा है? हमारी दशा, हमारी ये दशा तो बहुत समय से है, बहुत सालों से हम परेशान हैं, बहुत सालों से हम परेशान हैं। सवाल ये है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? यस, हालेलुया, यस। मैं एक और बार बोलूंगा, यस, आपका उद्धार हो सकता है। एक नाम है जिस नाम में नाम का अर्थ ही उद्धार है, और वो नाम है यीशु। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया और उसने कहा, तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। यीशु नाम का मतलब ही उद्धार करता है। अपने मन को समझाएं, बोलिए अपने मन को, ए मेरे मन, यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर। जिस दिन तेरा भरोसा हटने लगे, तू खुदा से कहना, खुदा मुझे उठा ले, इससे पहले कि वो दिन आए कि मेरा भरोसा तुझ पे से हटे, मुझे जीने का अधिकार खत्म कर देना प्रभु। जिस दिन यशया का फरमान इसके पास आया, उस दिन ये कहता, खुदा तेरा शुक्र है, मेरा बुलावा आ गया, मैं जा रहा हूं, मुझे जल्दी से अपने पास बुला ले। वो ही इज क्राइंग दैट टाइम, वो रोने लग गया, मैं और जीना चाहता हूं। ये और जीने की जो लालसा है ना, ये आपको नरक पहुंचा सकती है, आपका घर, आपका जीवन नरक बना सकती है। आध्यात्मिक जीवन में भी आप ये प्रार्थना किया करो, ऐ खुदा, जिस दिन मेरा ईमान तुझ पे से हटने लगे, उससे पहले तू मुझे धरती से ऊपर बुला लेना। ईमान में परगिश्ता होकर जीने से अच्छा है ईमान में खुदा के पास पहुंचना। हालेलुया।